सतपिंदर मैं तेनु साफ साफ दस दिना जे तू कोई उल्टा सीधा काम किता ना मैं तेरा साथ नहीं दवांगा। पठान साहब इदां दा कुछ भी नहीं है, तुसी बस देखते जाओ। मम्मी की है सब सी आ एक व्याह ली रिंग हरली नु ते दूजी मेनू तुसी चाहने की हो? दिमाग काट ला जो क्या होगा। अरे वाह लगता है बुड्ढी दी आंखा खुल गईया ने। राजवीर वर्गे ड्राइवर नु मेरे नेड़े आउंदिया वेख बुड्ढी ने पहला राजवीर दे व्याह दा प्लान बनाया ते हुन मेरी एंगेजमेंट दी तैयारी कर रही है युवराज नाल। पीपी जी सच्ची इरिंग बहुत ही ज्यादा सोहनी है, ग्रेट चॉइस। सरगुन इतनी शांत क्यों है? कि ये सच्ची साडे एंगेजमेंट लिए रेडी हो गई है? और पाजी हैप्पी लोहड़ी जी। तुई लोहड़ी ठीक हो जी? भाभी जी हैप्पी लोहड़ी जी। ये सरगुन जी कितने रह गए, हले तक बाहर क्यों नहीं आए? पापा जी तुम सरगुन जी ने देखे? नहीं। सरगुन जी आस्थाना स्वर्ग की अप्सरा भी पूछ रही होनी है कि रब जी मेरे च आखिर की कमी रह गई सी। तू एहो जी फालतू गल्लां किवें सोच लैना युवराज? केड़ियां गल्लां? जदों इह युवराज तुहानूं देख लैंदा ना बस लफ्ज़ां दा बादशाह बन जांदा है। बस बस आ रोमांस वगैरह बंद कर, सब तो पहला था हैप्पी लोहड़ी माई डियर हस्बैंड। हैप्पी लोहड़ी माई डियर वोटी जी। हैप्पी लोहड़ी पापा जी। हैप्पी लोहड़ी पापा जी। हैप्पी लोहड़ी बच्चियो। सारे मेरी गल ध्यान ना सुनो, आज मैं तानू कोई गल दसन जा रही हूँ। आज मैं हरली नू ते बाकी सारे घर वाले ने सरप्राइज देन जा रही हूँ। ते वो सरप्राइज एहो जे है कि सारिया नू उदो दा इंतजार है जदों दी हली ने इस घर विच आई।
पर पहला लोहड़ी की पूजा हो जाए, उस तो बाद ही मैं अनाउंसमेंट करांगी, ठीक है? मैं उदो तक पूजा का समान लेके आनी हूं। सरप्राइज? की सरप्राइज हो सकता है? जिंदर की सरप्राइज देन वाली है, वो भी हरलीन दे बारे। सरगुन जी, किते अपने लेटर वाले प्लान का नतीजा तो नहीं का? तू बस फेंकता जा। की मतलब? पता नहीं है जिंदर की अनाउंस करने वाली है। सरगुन जी, की देखता जा, मतलब मेरा अंदाजा सही सी? मैंने दसो ना, तुम्हें भी कुछ पता है था। आज हरलीन शॉक्ड हो जाएगी जब इसनु ये पता चलेगा कि आज राती ही बीपी जी ने इदी एंगेजमेंट रखी है। की सरगुन जी, तुहानू किदा पता? युवराज, कल बीपी जी ने राजवीर दी मम्मी नु इत्थे घरे बुलाया सीगा, ते राजवीर अपनी मम्मी जी नु कल ही लैन वास्ते चला गया सी। ते हुण तू आप ही सोच कि बीपी जी ने राजवीर दी मम्मी नु इत्थे क्यों बुलाया होएगा? क्यों? ओहो, क्योंकि आज ही राजवीर दे हरलीन दी एंगेजमेंट है। क्योंकि कुड़ी वास्ते मुंदरी तां मैं हरलीन दे हत्थां च पवा के वेख ली। चल हुण तू भी ट्राई कर। आहो, समझ गया फाइनली। ओहो, तू हुण अपनी एक्साइटमेंट घट रख, नहीं तां हरलीन नूं पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। एंगेजमेंट तक हरलीन कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सरगुन तो देख ही नहीं रही। सरगुन, फिर जी तुसी 15 दिन के अंदर अंदर अपना ब्याह किवें फिक्स कर लिता? सरगुन, मैं कुछ नहीं किया, ये सब मम्मी ने मेरे तो बिना पूछे किया। मैं तो आप इनविटेशन कार्ड देख के पता लगे कि मेरा 15 दिन बाद ब्याह है। पर तुझे यकीन मान, मैं ब्याह नहीं करांगा। फिर जी, थोड़ा ब्याह किवें रोकना है ऐसी बात च सोचांगे, पर उस तो पहला थानू रूप दीदी नू मिलना पेगा, क्योंकि वो बुरे तरीके नाल टूट चुके ने। मैनू तो ये टेंशन हो रही है कि ते वो एक गल सोच सोच के
टेंशन विच ना आ जान ते उना दे मेंटल स्ट्रेस करके उना दे बच्चे ते बुरा असर ना पै जावे। ते वीर जी जदों तक तुसी अपने मूहों नहीं कह दिंदे कि तुसी अपने दूजे व्याह वास्ते राजी नहीं हो उदों तक रूप दीदी नहीं मनन वाले। वीर जी ये गल सोच सोच के रूप दीदी डिप्रैशन च आ रहे ने। हजे तो डिप्रैशन के माइल्ड सिमटम्स ने पर वीर जी जे ये सिमटम्स वध गए ना तो फिर असी भी कुछ नहीं कर सकांगे। ते वीर जी मैं नहीं चाहती कि सिमटम्स वधन। हाँ सरगुण मैनु भी रूप की मैंटल हैल्थ का बहुत फिक्र है इसलिए मम्मी तो लुक के मैं इतने आया। वीर जी रूप दीदी अंदर ही ने मैं उन्होंने इतने भेज दी हाँ तुसी इतने वेट करना। ठीक है। आ गई अचानक मेरी मम्मी इत्थे किद्दां आ गई। मम्मी ने मैनूं दस्सिया क्यों नहीं कि वो इत्थे आ रहे ने। चलो छेती पूजा कर दे तो फिर मैं सारे ने बहुत सरप्राइज देनी है। जिंदर ने मेरी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करनी है। की? तेनू क्यों लगता है कि तेरी मंगनी करवाना चाहती है? हाँ? पर केदे नाल? वो कल मेरे ते युवराज नाल रिंग टेस्ट करवा रही सी। इन्ना तो मैं श्योर हाँ कि वो मेरी इंगेजमेंट करवाना चाहती है। पर मुंडा कौन है वो जान के ना दस नहीं रही। हरलीन कितने वो मुंडा राजवीर तो नहीं? नहीं नहीं वो कितना हो सकता है वो तो काली कार चला गया सी। देखो आज ती पार्टी भी नहीं है। फिर वेट करने तो अलावा और कार भी की सकते हैं। हरलीन पुत्र ओ लोहड़ी दी मिठाइयां कित्थे ने? ओ तां गड्डी च पई ने आंटी जी। चल ठीक है तू ये फट मैं लेके आनी हूं। हरमन तुसी ऐदा क्यों किया कि हुण मैं इन्नी माड़ी हो गई कि तुसी किसी होर कुड़ी नाल व्याह कर रहे हो? थानू एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। रूप तू ऐदा क्यों कह रही है? एवें दा कोई भी दिन नहीं है जिद्दन मैनू तेरा ख्याल ना आया होवे।
तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं है। जे तुसी मैनू इन्ना ही प्यार करदे हो फिर तुसी दूजा विआह ही क्यों करा रहे हो? रूप मैं दूजा विआह नहीं करवाना चाहुंदा ते ना ही करवाऊंगा। वो तो मम्मी ने मेरे तो बिना पूछे मेरा विआह फिक्स करता, कार्ड छपवा दिते, मंगनी करवा दिती। रूप जे मैं उदन मंगनी ना करता ना मम्मी ने अपनी जान ले लेनी सी। मैं मजबूर सी पर हुण मैं मजबूर नहीं हां। मैं तेरे लई ते अपने होण वाले बच्चे लई ये डिसाइड कीता कि ये मैं ब्याह नहीं करांगा। वादा करदा कि विआह रोकण लई मैं कुछ भी करांगा ते इहदे विच सरगुण मेरी हेल्प करेगी। बीबी जी ते इत्थे आ रहे ने। ए सरगुण जी कित्थे चले गए? मैनू दीदी नू दसना पेगा। वीर जी रूप दी बीबी जी आ रहे ने। रूप दी ते हरमन जी जो इत्थे की कर रहे ने? जे मम्मी ने इन्हां नूं देख लिया तां पंगा ही पै जाणा है। हुन की होगा